नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माँ की रसोई में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि घर पर ही हम बाजार जैसा दही कैसे जमाएं। तो ये दही हम बिना कुछ मिलाए हुए बनाएंगे, सिर्फ दूध से बना करके तैयार करेंगे। तो जो बाज़ार से हम दही लेकर आते हैं उसमें दूध में मिलावट की जाती है, तब डेयरी वाले दही जमा करके तैयार करते हैं। लेकिन हम यहाँ बिना मिलावट के ही बिल्कुल गाढ़ा दही जमा करके तैयार करेंगे। बस एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, जिसकी वजह से जो आपका दही है एकदम बाजार जैसा जम करके तैयार होगा और बिल्कुल खट्टा भी नहीं रहेगा, एकदम ताज़ा दही जमेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दूध लिया है। तो जब भी आप दही जमाएं तो फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करें और दूध में बिल्कुल भी पानी न डालें, खाली दूध को ही उबालें। और जब दूध को आप उबालें तो लो फ्लेम पर उबालें, जिससे कि इस पर अच्छे से मलाई जमती जाए। तो जो मलाई जमेगी, तो जिसकी वजह से जो हम दही जमाएंगे तो एकदम मलाईदार जम करके तैयार होगा। तो देखिए दूध में उबाल आ गया है और मलाई भी जम गई है। तो उबाल आने के बाद इसको करीब 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर और उबालेंगे अच्छे से, जिससे दूध जो है अच्छे से उबल जाए। तो अभी जो दूध है हमारा वो उबल चुका है, तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। और अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। तो अभी हम दूध को ठंडा कर लेते हैं। तो दूध को हमें इतना ठंडा करना है कि जिससे कि हम दूध के अंदर उंगली डाल सकें। तो अभी हमें जिस बर्तन में दही जमाना है तो उस बर्तन के अंदर दूध को डाल देंगे। तो देखिए अभी उंगली डाल के देखते हैं, तो उंगली बिल्कुल भी जल नहीं रही है, हल्का सा गुनगुना है दूध। तो इतना ही गुनगुना रखना है। अगर दूध हमारा गर्म होगा और गर्म दूध के अंदर हम जामुन लगा देंगे तो जो दही है हमारा पानी छोड़ जाएगा। तो इसलिए आप लोग जब भी दही जमाएं तो दूध को गुनगुना ही रखिएगा, ज़्यादा गर्म दूध में जामुन मत डालिएगा। तो अभी हम यहाँ जामुन लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा दही लिया है। तो जो जामुन लगाएं आप दही से, वो दही आपका एकदम ताज़ा होना चाहिए। खट्टे दही से अगर जामुन लगाएंगे तो आपका दही खट्टा हो जाएगा। तो इस तरह पूरे दूध में उसको मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। इससे जो दही है हमारा एकदम गाढ़ा जम करके तैयार होगा। और इसको ऐसी जगह पर ढक कर के रखेंगे कि जहाँ पे हमें इसे हिलाना ना पड़े। तो देखिए अभी इसको करीब 5 घंटे हो गए हैं, तो दही है जो हमारा वो जम चुका है। तो इसको अभी हम छेड़ेंगे नहीं, आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। आधा घंटे बाद ही इसको निकालेंगे। अगर फ्रिज में नहीं रखते हैं, ऐसे ही निकाल लेते हैं, तो जो दही है पानी छोड़ जाएगा। तो देखिए दही एकदम गाढ़ा जमा है। तो इस तरह आप आसानी से घर पर बिल्कुल डेयरी वालों जैसा दही जमा सकते हैं। और इसमें हमने कुछ भी मिलावट नहीं की है, खाली दूध से जमाया है। तो देखिए कितना आसान है घर पर एकदम गाढ़ा दही जमाना। तो आप इस तरीके से जमा करके देखिएगा, आपका दही एकदम गाढ़ा जमेगा। और जो दही है हमारा खट्टा भी नहीं होगा, बस आप इसमें जामुन ताज़ा डालिएगा, खट्टा मत डालिएगा। और दही को रखने के बाद हिलाइएगा मत। और जब आपका दही जम जाए तो उसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, उसके बाद उसमें से निकालिएगा। तो आपका दही एकदम गाढ़ा जम के तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ा दही जम के तैयार हुआ है। जो मैंने काट कर निकाला था वो वहीं की वहीं सेट हो गया है। आगे फिर मिलेंगे नई रेसिपी।